नमस्कार, खबर लहरिया में आप सभी का स्वागत है। मैं चीन से ज्योति ढलवाल। आज मैं चीन की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ हमने आम जनता से बात की। आम जनता आवारा पशुओं से बहुत परेशान है। यहाँ के लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि यहाँ आवारा पशु हमारी सब्जियाँ खा जाते हैं और इनके बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, जिस कारण हमें बहुत नुकसान होता है और चोट भी पहुँचाते हैं। आप हमें बताइए कि आवारा पशुओं से आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? गाय अगर घूम रहे हैं नहीं, वो बच्चे डर लगता है, बच्चे को मार दे कदे और उसको फिर खाते फिर है, उनको कोई सुविधा नहीं खाने पीने की। जब तो कोई गौशाला खुलाई गाय नहीं, कोई गौशाला है तो उसमें खाने पीने का उनका समाधान कराया जाओ कुछ। मेरी सरकार का ये अपील है कि गाय अगर जो गली में घूम रही हैं उनकी सेफ्टी है। आवारा पशुओं से क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यार रोज कहीं तो बाइकों को नुकसान करते हैं, ऑफिसरी में लड़ झगड़ के गाड़ियों को, बाइकों को और कई दो आदमियों को भी चोट लगी। अच्छा, तो जैसे सरकार बजट लेके आ रही है कि इनके लिए हम नंदीशाला बनवाएंगे या हम इनको विशेष स्थान पे रखेंगे, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? ऐसा या मंडी में तो कोई सिस्टम नज़र नहीं आया जी। बाकी अखबारों में पढ़ते हैं ग्राट आई है नंदीशाला में, इतने पशु छोटे है यहाँ से एक भी नहीं गया जी। तो क्या कभी किसी को इधर गांव में चोट पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है? बहुत नुकसान होया जी मंडी में, आदमियों को भी नुकसान होया है, जन जन की धन की सब ज्ञान हुई। मैडम, ये जो जितने भी हमारा पशु हैं यहाँ पे कम होने चाहिए, पहले इनकी कम क्वांटिटी थी, अब ज़्यादा हो चुकी है। इसमें रिक्शे वाले आते, कुछ बाइक भिड़ जाते हैं तो आपस में दिक्कत होती है, किसी आम आदमी पर्सन को चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इनकी क्वांटिटी जो कम होनी चाहिए। तो प्रशासन ऐसे कहता है कि हमने इनके लिए गौशाला बनवाई है, विशेष स्थान बनवाए हैं, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? मैडम, गौशाला बनवाई है तो वहाँ पे क्यों नहीं होता इनका रहने सहने की जो भी जगह वहाँ क्यों नहीं होती फैसिलिटी, जो अगर वहाँ दे रखे तो इनको खुला क्यों छोड़ रखें? तो अभी आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे नहीं, इनकी जो भी ये जहाँ पे इनका रहने का स्थान है तो वहाँ पे वो किया जाना, जो इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको सब वहीं शिफ्ट किया जाए, इनको यहाँ पे तो फिर आम आदमी को बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारा पशु में जैसे गाय तो बहुत ज़्यादा कम दिखती है, गाय होती है तो मतलब उम्र में ज़्यादा बूटी गाय या फिर खाफड़, देसी खाफड़ बोलते जिन्हें, वो मिलते हैं, वो कई बार इतने गुस्सा हो जाते हैं खाना ना मिलने की वजह से, दूसरों को खाने को पहुँचा सकते हैं या फिर कभी कभी किसी को मार भी देते हैं। सभी आस पड़ोस में बच्चे भी खेलते हैं गलियों में ऐसे ही आवारा खींचते रहते हैं। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ सरकार से कि इनके लिए या तो किसी ऐसी जगह का मतलब ऑर्गेनाइज की जाए, कोई ऐसी जगह जिससे मतलब इनको हानि ना हो। मैंने नगर परिषद के ईओ सुशील कुमार जी से बात की आवारा पशुओं के बारे में, तो उन्होंने कहा सरकार द्वारा उन्हें 8 से 10 लाख रुपए तक का बजट दिया जाता है, लेकिन फिर भी गलियों, सड़कों और सब्जी मंडी में न जाने कितने आवारा पशु हमें हर रोज़ दिखाई देते हैं और इनसे न जाने कितनी दुर्घटनाएं घटती हैं और जींद की जनता काफ़ी परेशान है। जब हमने सुशील कुमार जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने काफ़ी तरोड़ मरोड़ कर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि आवारा पशु तो है ही नहीं और मैंने उन्हें क्लिप दिखानी पड़ी कि सर देखिए सब्जी मंडी की हालत और यहाँ पे गलियों की हालत और लोगों की बातें सुनिए कि लोग कितने परेशान हैं। तब उन्होंने ये कहा कि अभी फसल की कटाई हुई है, ये पशु तो गांव से आए हैं। उन्होंने हमारे किसी भी सवाल का जवाब अच्छे से नहीं दिया, ना इसका निवारण हेतु कोई जवाब दिया। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।